मैं रुक झुंझुनवाला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुक एक आत्मा की यात्रा चैप्टर 8। आचार्य आज पीटर को बताते हैं कि मैं तुम्हें पिछले 2 रातों के सूक्ष्म जगत की यात्रा के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। सूक्ष्म जगत में तुम जो लंदन और इंग्लैंड देख रहे थे वो भौतिक दुनिया नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति है, छाया स्वरूप समझ सकते हो। जो पहला खंड है उसे लंदन से सूक्ष्म लोक की यात्रा इसलिए करवाते थे क्योंकि पीटर को समझ आ चुके कि वो सूक्ष्म लोक और भौतिक लोक में सब सेम है, बिल्कुल सेम। और किसी भी शहर किसी भी जगह हम सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल कर सकते हैं। पहला खंड में इंसान जो चाहे वो कर सकता है सोचने मात्र से बिना पैसे के। यहाँ लोग मटेरियल चीज़ों से अटैच रहते हैं। ये जगह भीड़ और शोर से भरा है और यहाँ शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं। जो मटेरियलिस्टिक है, अटैच्ड है, वो यहाँ बहुत सालों साल रहते हैं। दूसरा खंड, ये भी पहला खंड जैसा ही होता है लेकिन भीड़ और शोरगुल कम होता है। यहाँ इंसान भौतिक जगत में ना पूरे किए शौक को, भौतिक जगत के सारे शौक को यहाँ पूरा करता है। सोचने मात्र से उन्हें जो चाहिए मिल जाता है। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं वे 200 से 300 साल तक भी यही रहते हैं। उनकी आत्मा उन्हें ऊपर के खंडों में जाने के लिए फिर विवश करती है, तब उन्हें जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो ये है दूसरा खंड के बारे में जो बताया। तीसरे खंड में ज़्यादातर कलाकार और संगीतज्ञ कला प्रेमी लोग रहते हैं। उनके अलावा ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी रुचि भौतिकता मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें किसी विशेष कला की ट्रेनिंग ले सकते हैं और अगले जन्म उसी कला को आगे बढ़ाने की इच्छा लेकर पैदा होते हैं ताकि भौतिक जगत में इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। माइंडफुलनेस, किसी चीज़ को फोकस होकर ध्यान से करना, यही है माइंडफुलनेस। तो मॉन्क ने यहाँ पे पीटर को कहा कि माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है और यहाँ के जो लोग हैं वो जो कला करते हैं ये सबको माइंडफुलनेस कहा जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें डूब के अपनी चीज़ों को करते हैं। अब आचार्य पीटर को बताते हैं, मैं तुम्हें गुरु के बारे में बताता हूँ। ये लोग भी हजारों साल पहले सामान्य इंसान थे। ये भौतिक जगत के सभी पार्ट लर्निंग ले लिए हैं जो उन्हें सीखने थे। मानवता के प्रति प्रेम के कारण वे यहाँ रहते हैं ताकि इस ग्रह के विकास में अपना योगदान कर सके। इन्हें ही गुरु कहा गया है। इनमें से कई अपने शिष्य भी बना लेते हैं। ये शिष्य दुनिया में रहते हैं लेकिन अभी परिपूर्ण नहीं बन पाए। उनकी मदद से ये अपना काम करते हैं। इन शिष्यों को आगे बढ़ने के कई अवसर दिए जाते हैं जो अन्य लोगों को नहीं दिए जाते, और इन अवसरों को ये शिष्य अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं। उन्हें हर स्तर पर चेतना की निरंतरता बनाए रखना, सजग रहना सिखाया जाता है। मॉन्क ने पीटर से कहा, जैसे तुम भौतिक स्तर चेतना से सूक्ष्म यात्रा में चेतना को बनाए रखना सीख रहे हो, हर स्तर पर इसे बनाए रखना कठिन काम है। जब कभी ज़रूरत पड़े ये कुछ ऐसा काम भी कर जाते हैं जिन्हें चमत्कार कहा जाता है, लेकिन गुरु के निर्देश से ही होता है। शिष्य भी आगे चलकर परिपूर्ण होता है और भौतिक जगत में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी इनका जीवन लंबा होता है विशेष उद्देश्य के लिए। पीटर के पिछले जन्मों के विकास के कारण इस जन्म में उसे ऐसी शिक्षा दी जा रही है। तुम्हारे लिखे पुस्तक द्वारा उन सभी तक पहुँचना और पहुँचना चाहिए जो इन बातों को सुनना समझना चाहते हैं। ऐसा इंडियन मॉन्क ने पीटर को कहा और कहा, हमारी इच्छा शक्ति ही खुलजा सिमसिम है,
जिसे हम जो इच्छा करते हैं जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। चौथे खंड में यहाँ भी संगीतज्ञ तथा कलाकार मिलेंगे। ये जो काम करता था वो सब ये लोग कर चुके, अब ये अकेले रहकर काम करते हैं। तीसरे खंड में ये लोग समूह के साथ रहते हैं। चौथे खंड में ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ डॉक्टर मिलेंगे जो अनुसंधान में लगे हैं, जो बीमारियों से लड़ने वाली दवाओं की खोज करते हैं, फिर भौतिक जगत के डॉक्टर के दिमाग की कोशिकाओं में डाल देते हैं, जिससे सुबह उठने पर उन्हें लगता है अचानक एक नई विचार आया, जिससे आगे चलकर एक नई प्रगति हुई हो। यहाँ हॉस्पिटल्स भी होते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जो असंभव को पाना चाहते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें अपने कर्मों के पश्चाताप होता है और जिन कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वे दुखी होते हैं। अब फिफ्थ और सिक्स खंड के बारे में बताते हैं कि इन खंडों में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो मानवता के हित के लिए अनुसंधान कार्य में लगे रहते हैं। वहाँ दार्शनिक के समूह हैं जो मानते हैं ध्यान अनुभव द्वारा यदि दुनिया का सोचने का तरीका बदल जाए तो जीवन अधिक आरामदायक बन जाएगा। इन खंडों में दुनिया की आर्थिक समस्याओं पर काम किया जाता है और ऐसे लोगों के मन में सॉल्यूशंस डालते हैं जिनकी सलाह पर पूरी राष्ट्र चलती है। यहाँ खेती के नए तरीकों को भी लोगों के मन में डाला जाता है ताकि भोजन की कमी की समस्याओं से निकला जा सके। जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो इस कारण से कि उन जगहों पर प्रगति नहीं बल्कि अपराध बढ़ रहे होते हैं और निष्पक्ष होकर ऐसी विनाश होने देते हैं, जबकि मानवता से उच्चतम आत्माएं, देव जाति की आत्माएं बहुत सहानुभूति रखते हैं और जान जाने वाले लोगों की मदद भी करते हैं ताकि वे भयभीत ना हो और आगे की यात्रा में आराम से जा पाए। परिया ये लोग भी, देव ये लोग भी इसी खंडों में रहते हैं, तीसरे से ऊपर की खंडों में ही रहते हैं। आखिरी कहा गया है सातवां खंड के बारे में। यहाँ किसी भी प्रकार की इमारत नहीं है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो पूरी तरह निस्संग, मतलब किसी के संपर्क में नहीं आते हैं और ना ही किसी से बातचीत करते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर सातवां खंड में रहते हैं। और भौतिक जगत में जो लोग एकांत में रहते थे, मौन में रहते थे, ध्यान साधना में रहते थे, ऐसे भी लोग जो बिना भोजन के प्राण शक्ति से ऊर्जा लेकर जीवित रहते थे, ऐसे लोग जो अपने अंदर की दुनिया में जीने के इतने आदि हो जाते हैं कि वे लोग सूक्ष्म लोक में शरीर छोड़ के जाने के बाद भी ऐसे ही रहते हैं और समय आने पर सातवां खंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ आध्यात्मिक विकसित देव जाति के लोग भी मिलेंगे जो विकास मार्ग पे काम तो करते हैं लेकिन किसी के संपर्क में नहीं आते हैं। यहाँ से ये लोग और ऊपर के खंडों में जाते हैं, पहले मानस लोक में, फिर उससे भी ऊपर कारण लोक में। सूक्ष्म लोक से मानस लोक में जाना एक मौत है और वहाँ से फिर आगे की यात्रा, और इन मौतों में कोई पीड़ा नहीं होती है और इन्हें ले जाने के लिए विकसित गाइड आते हैं और यहाँ भी फिर से एक और आवरण को उतारना होता है। और प्रत्येक नए भौतिक जन्म के समय हमें बिल्कुल नया मानसिक, सूक्ष्म व भौतिक शरीर मिलता है जिसमें पुराने जन्मों की कोई स्मृतियाँ नहीं होती है। सभी खंडों के बारे में बताते हुए आचार्य ये कहकर विदा लेते हैं कि तुम एक प्रश्न सूची बनाओ जिसका उत्तर मैं तुम्हें अगले दिन दूंगा और मानव जगत के बारे में और भी डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहते हुए आचार्य आज पीटर से विदा लेते हैं।